नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज, टेक फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने वाले वन प्लस यू आई एंड वन प्लस लॉन्चर के बारे में और कैसे उसका गेस्चर आप यूज कर सकते हो किसी भी AOSP बेस्ड रोम में या फिर पाई रोम में। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो मेरे पास में पाई रोम है और ये रिवॉल्यूशन OS जो कि बेस्ड ऑन है AOSP पे और आप इसमें काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारा रिवॉल्यूशन OS एंड्रॉयड वर्जन 9 और सिक्योरिटी पैच वगैरह, इसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। चलिए हम आते हैं होम पे। आप देख सकते हैं इसमें जो सो फिलहाल लॉन्चर जो है सो वो है लॉविच लॉन्चर करके है इसका नाम, और ये जो इसमें मैंने पोको लॉन्चर भी यूज करता था। लेकिन अब जो हम यूज करने वाले वन प्लस लॉन्चर और आपको वन प्लस का गेस्चर्स भी सब कुछ आप यहाँ मिल जाएगा काम करने को। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए क्या, तो दो फाइल चाहिए आपको डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहला जो वो है एक वन प्लस टू का क्विक स्विच वाला लॉन्चर, देख सकते हैं ये वाला लॉन्चर चाहिए, और दूसरा क्विक स्विच ये जिप फाइल चाहिए। दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं वन प्लस टू के क्विक स्विच वाले इस ऐप में, तो इसको हम करते हैं इंस्टॉल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, और तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको हम कर देते हैं डन। इसके बाद में आपको कहाँ जाना है, तो दोस्तों अभी वन प्लस टू लॉन्चर को कोई एक्टिवेट नहीं करना है। जी हाँ, यहाँ पे जो सो कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको स्विच नहीं करना है फिलहाल। अभी जो हम इसके इनबिल्ट ऐप में जाएंगे जो कि है मैजिस्क ऐप मैनेजर, और मैजिस्क मैनेजर में आप जो यहाँ पे दोस्तों मॉड्यूल्स में जाओगे, सो मॉड्यूल्स में छोड़ो, आप डाउनलोड फोल्डर में जाओ, डाउनलोड ऑप्शन में यहाँ पे आप सर्च कर लो क्विक सर्च, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो क्विक सर्च सर्च कर लेता हूँ, QUICK क्विक स्विच, ठीक है। तो आपको ये जो मिल जाएगा क्विक स्विच क्विक सेटअप के लिए है, ठीक है। तो क्विक स्विच को आपको करना है यहाँ पे इंस्टॉल। तो दोस्तों यहाँ पे हम डाउनलोड का ऑप्शन पे करते हैं, और ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन का ऑप्शन, और आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोडिंग ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है और ये फटाफट से डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम जस्ट वेट करते हैं जब तक हमारा डाउनलोडिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा वर्जन 1.1.2। और जो मैंने आपको लिंक दिया नीचे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके ऐड मॉड्यूल करके भी आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट के कनेक्शन में नहीं हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना ज़्यादा तेज नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन से भी मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, और ये रहा हमारे पास में ये फ्लैशिंग और फ्लैश भी हो चुका है, अनजिपिंग वगैरह। अब इसको हम कर देना है रिबूट। तो दोस्तों रिबूट करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है फिलहाल, अभी जैसे जब तक हमारा फ़ोन रिबूट हो जाता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। वीडियो आप पूरे अच्छे तरीके से देखो, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा और आप अच्छे से यूज कर सकते हो वन प्लस टू वाला लॉन्चर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने फ्लैश कर लिया क्विक स्विच भी, और हमारा फ़ोन भी रिबूट हो गया है। और अब जो हम आते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे, और इसके ऐप में आपको जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे एक नया ऐप मिलेगा, फिलहाल तो ऑलवेज ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप में जाओगे, तो आपको जैसे यहाँ पे क्विक स्विच का एक ऐप मिलेगा जिसको आपको करना है ओपन। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे आते हैं क्विक स्विच को सर्च कर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास में होगा क्विक स्विच। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास में क्विक स्विच का ऐप, आप देख सकते हैं। और क्विक स्विच ऐप ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके से UI मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है यहाँ पे वन प्लस लॉन्चर पे क्लिक, और इसको करना है ओके। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में वन प्लस का लॉन्चर ऊपर आ गया है, और ये ओपन में एक बार इसको दबा देना है, ठीक है। तो और अब जो हमारे पास में दोबारा से इसको एक बार लॉन्च तो जो हमें दोबारा से एक बार रिबूट करना है। तो दोस्तों इसको हम कर देते हैं एक बार रिबूट दोबारा से। आपको ध्यान रखना है, ये जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप आपको भी फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जैसे इंस्टॉल करना है APK, दोबारा इंस्टॉल करना है मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स के बाद में आपको क्विक स्विच के ऐप में जाना है, और उसके बाद में आपको वहाँ पर से क्विक स्विच करना है वन प्लस टू के UI के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में आपको जैसे आपका फ़ोन रिबूट होता है, तो आपको जैसे होम लॉन्चर में सेट कर देना वन प्लस का लॉन्चर, ठीक है। अगर आप इसके स्टेप को मिसलीड इधर उधर कर देते हो, तो आपको जो मे भी हो सकता है वन प्लस टू का लॉन्चर जो आपको फोर्स क्लोज हो जाए। जी हाँ, तो मेरे साथ में कई बार हुआ है ये स्टेप, अगर मैं फॉलो नहीं करता हूँ, अगर एक दो आगे पीछे कर देता हूँ, तो ये मेरे पास में फोर्स क्लोज हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और नीचे फिर कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि वो फोर्स क्लोज हो गया।
और मैं पहले बता रहा हूँ ये जो सो पायरोम में आपको काम करेगा काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड्रॉयड 8 में मैंने अभी तक ज़्यादा यूज नहीं किया है, फिलहाल एक बार भी टेस्ट नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में अच्छे से आपको बता नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में ओपन हो चुका है फ़ोन, और फिलहाल तो हमारे पास में जो सो होम लॉन्चर है वो है वही सेट। तो इसके लिए हमें जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद में हमारे पास में जाना होगा ऐप सेटिंग में। ये रहा हमारे पास में ऐप नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे एडवांस ऐप में जाइए, देख सकते हैं, ओके। और एडवांस में जाने के बाद में आपको डिफ़ॉल्ट ऐप में जाना है और होम ऐप में जाना है, और होम ऐप में आपको वन प्लस का लॉन्चर को सेलेक्ट कर देना है, फिर आपको होम बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास में जो होम लॉन्चर है ये है वन प्लस का लॉन्चर, और आप जो इसके गेस्टर्स वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में होम लॉन्चर, और ये देखिए हमारे पास में जो हाइड वाला फीचर है वो भी आ चुका है, जो कि आपको पोको लॉन्चर में मिलता है और इस लॉन्चर में भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये रहा हमारे पास में हिडन वाला फीचर, जो कि वन प्लस टू का लॉन्चर का है, सॉरी वन प्लस का लॉन्चर के फीचर है, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रिटी बहुत अच्छा मिलेगा। और इसके जो गेस्टर्स है वो भी है रिसेंट के लिए है, देख लीजिए। यहाँ पे हम लेके चलते हैं आपको एक बार सेटिंग पैनल में, चलिए हमने इसको सेटिंग को ओपन कर दिया, और इसके बाद में आप जो सो रिसेंटली आप ऐसे तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसके रिसेंट को, ठीक है। तो आपको ये मिल जाता है वन प्लस का, ओके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको दोबारा से भी बोलना चाहूँगा कि आप जो स्टेप काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज करने को मिलेगा वन प्लस टू वाला ये गेस्टर्स मोड, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो सो काफ़ी अच्छे से यूज हो रहा है, प्ले स्टोर में ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ओके। तो दोस्तों ऐसे करते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट। जी हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए लेके आता हूँ एक नया टेक्निकल वीडियो। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।